हेलो, आई एम शशि। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्वीट सी रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी का नाम क्या है। तो रेसिपी है मूंग दाल का हलवा, वो भी हम प्रीमिक्स ही बना रहे हैं। ये प्रीमिक्स है, देखिए हमने प्रीमिक्स को पहले ही अपने वीडियो पे अपलोड कर दिया है। आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं कि हमने प्रीमिक्स कितने अच्छे मेथड से आपको बताया है। उसमें घी ऑलरेडी इतना हमारा पड़ा हुआ है कि इसमें घी भी बहुत कम लगेगा और बहुत ही शॉर्ट टाइम में बनेगा ये आपका ये हलवा जो है। 7 से 8 मिनट में या इससे कम ही टाइम लगेगा। हम आपको बना के दिखाते हैं कि किस तरह से हम हलवा बना रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कढ़ाई रख देते हैं। उसमें हम वन स्पून से थोड़ा सा कम है, क्योंकि हमारे प्रीमिक्स में हमने ऑलरेडी 2 स्पून घी में उसको प्रीमिक्स बनाया है। उसमें घी पहले से ही जा देते हैं। यहाँ पे 1 स्पून देखिए हम डाल रहे हैं घी, देसी घी है। इसको मेल्ट हो जाने देते हैं। देखिए इलायची हमने कूट के ले लिया है, 4 से 5 इलायची है, छोटी इलायची, इसको हमने कूट के ले लिया। इसको भी हम इसी में डाल देंगे। इलायची अच्छी तरीके से भुन गया है और हम इसमें अपना प्रीमिक्स डाल देंगे। प्रीमिक्स की रेसिपी बहुत ही अच्छी है, आप इसको देख सकते हैं, बना के रख सकते हैं पहले से हलवा इंस्टेंटली। अगर आपको जल्दी बनाना हो, कम टाइम है आपके पास, तो प्रीमिक्स से ही बनाइए, बिना बहुत ही इजीली बन जाता है। देखिए कितनी जल्दी से हलवा हमारा 5 से 6 मिनट के अंदर हलवा बनके तैयार हो जाएगा। देखिए हमने इसको हल्का सा ही भून लिया, क्योंकि प्रीमिक्स में ही इसको हमने 2 स्पून में घी डाल के बहुत अच्छे से दाल को भूना हुआ है और भून के उसको अच्छे से इसको पीसा गया है। इसमें घी ऑलरेडी बहुत ही है, तो इसलिए देखिए हम 1 चम्मच घी में इसको बस 1 मिनट के लिए इस तरह से मीडियम पे आंच करके भून देंगे। देखिए ब्राउन है बिल्कुल हमारा प्रीमिक्स। और फिर इसमें देखिए यहाँ पे हम 1 लीटर दूध लिए हैं, 1 लीटर दूध यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं। देखिए हमने दूध को डाल दिया है। इस तरह से इसको हम इस तरह से स्टिर करते जाएंगे, चलाते जाएंगे, कंटिन्यूसली चलाएंगे। मीडियम आंच को हमने थोड़ा बढ़ा दिया है, जिससे जल्दी जल्दी से हमारा ये दूध का मिक्सचर और दाल में अच्छे से भीग जाए और दाल हमारा इसमें अच्छे से फूल जाए दूध के अंदर ही इसको पकना है, क्योंकि वो भुनाई तो इसकी पहले से ही हो गई है। हमने जब प्रीमिक्स बनाया था तभी 1 मिनट के लिए हमको घी में भी इसको भून दिया। अब बस इसको गाढ़ा होने तक इस तरह से चलाना है। आँच को हमने बढ़ा दिया है, फिर जैसे गाढ़ा होने लगेगा आँच को हम इसको कम कर देंगे, मीडियम पे कर देंगे। उसी के साथ देखिए यहाँ पे हम चीनी डाल दे रहे हैं। ये शुगर देखिए हमने यहाँ पे 400 ग्राम शुगर लिया है। आप अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो और डाल सकते हैं, कम खाते हैं तो कम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम डाल दिए, तो चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। इसको डाल के अब इस तरह से हम इसको चलाएंगे, चलाते ही इसको गाढ़ा करना है। बहुत इंस्टेंटली बनता है हमारा ये, तो इसको हम 2 से 4 मिनट लगेगा इसको गाढ़ा करने में। तो आँच को हम बढ़ा के कर रहे हैं इसको, फिर बीच में मीडियम भी कर देंगे जैसे गाढ़ा होने लगेगा। देखिए इस तरह से चलाते रहेंगे इसको, जिसे लगने ना पाए किनारों से भी इस तरह से चलाते रहिए, इसे किनारे पे भी ना लगे। ये देखिए हमारा इसको चलाते हुए 5 मिनट हुआ है और हम तेज पे आंच कर दिए थे जब गाढ़ा हो गया। तो देखिए अब हम इसको आंच को कम कर दिए हैं, अब ये मीडियम पे है और देख सकते हैं कितना बढ़िया गाढ़ा होके हमारा हलवा बिल्कुल रेडी होने वाला है। बस अब हमें क्या करना है, इसके चारों तरफ से घी डालना है। ये हमने इसमें बीच में भी घी डाल दिया था 1 स्पून, यानी हमने टोटल यहाँ पे 3 स्पून घी यूज किया है बड़े चम्मच से, क्योंकि मूंग दाल हलवा में तो घी तो पड़ता ही है। हमने प्रीमिक्स में भी 2 स्पून डाला था। तो इस तरह देखिए हम घी डाल देंगे इसे चारों तरफ से, क्योंकि मूंग की दाल का हलवा घी इसकी स्पेशलिटी है कि ये घी में ही चारों तरफ से बिल्कुल भरा रहता है। देखिए इस तरह से चला देंगे घी। इसी के साथ हम ये ड्राई फ्रूट्स हमने लिए हैं, इसमें छुहारे हैं, बादाम है और इसमें किशमिश है, इन सबको डाल दे रहे हैं। आप ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद से कोई भी डाल सकते हैं। इसको डाल के इस तरह से हम चलाएंगे जब तक ये घी देखिए चारों तरफ से छोड़ने लगा है। ये देखिए हमारा हलवा बनके बिल्कुल तैयार हो गया। देखिए चारों तरफ से हम
ठीक है, कढ़ाई बिल्कुल छोड़ने लगा है, यानी हमारा हलवा बनके बिल्कुल तैयार हो गया। अभी ठंडा हो जाता है हलवा, फिर हम आपको सर्व करके दिखाते हैं कि कितना अच्छा बना है हलवा। ये देख सकते हैं इसका टेक्सचर, बहुत ही बढ़िया हलवा हमारा बनके तैयार हुआ। आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना सुंदर आया है। उसमें बहुत लोग हलवे में उसमें येलो कलर भी डालते हैं, अगर आप डालना चाहिए तो डालिए, हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला। देखिए हमारा प्रीमिक्स इतना अच्छा भुना हुआ था, इसमें घी और चीनी इतनी अच्छी क्वांटिटी में इसमें पड़ा है, देख लीजिए कितना सुंदर आया है इसका टेक्सचर। ठंडा आता है फिर हम आपको इसको सर्व करके हम आपको दिखाते हैं, ठंडे होने के बाद इसका टेक्सचर और भी अच्छा आता है। देखिए ठंडा होने के बाद देखिए हमने इसमें बॉल में सर्व कर दिया है, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है सूखने के बाद, तो जब ठंडा हो जाता है देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है, एकदम बिल्कुल मार्केट जैसा, जैसे आप खाते हैं मूंग दाल का हलवा बिल्कुल वैसा ही है, टेस्ट में भी वैसा ही है। आप इसको ट्राई करिएगा तो आपको पता चलेगा। प्रीमिक्स बनाना आप हमारे वीडियो पे देख सकते हैं, हमने पहले अपलोड कर दिया है, उसी के हिसाब से प्रीमिक्स बना लीजिए और उसके बाद आप हलवा बनाइए। ये पूरा हलवा बनाने में मेरा टोटल 7 मिनट लगा है, तो आप इस तरह इंस्टेंटली अगर आपको हलवा बनाना है तो प्रीमिक्स बना के पहले से रख लीजिए, और आपका जब भी मन करे तो आप इस तरह से मूंग दाल का हलवा बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है हलवा, आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। तो अगर आज का वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा हो और आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बगल में बेल आइकन है उसे आप दबाना मत भूलिएगा, उस पर कोई चार्ज नहीं है, उससे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, और इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ थैंक यू।